परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने का एक खास तरीका अगर आप सीखना चाहते हैं और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस संदेश को अंत तक सुनते रहिए। बाइबल में अगर आप पढ़ें, दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय 1 आयत से लेकर 7 आयत तक अगर आप पढ़ते हैं, तो वहां पे एलिशा नामक परमेश्वर के एक दास और एक विधवा की घटना का वर्णन है। अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया बाइबल को आप जरूर ओपन करें, दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय 1 आयत से लेकर 7 आयत। यहाँ पर एलिशा के पास एक विधवा औरत आती है और वह कहती है कि उस विधवा औरत का जो पति है वो किस तरह मर गया और किस तरह कर्जा वसूल करने वाले लोग आकर उसे परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उसके पति ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था। अब कर्जा वसूल करने वाले आकर विधवा को परेशान कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि उसके 2 बच्चों को उठा कर ले जाएंगे और उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे, क्योंकि उस समय ऐसा ही होता था कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं कर्जा चुकाने के लिए, तो वो आपके बच्चों को उठा कर ले जाते थे और वो उन्हें गुलाम बना लेते थे। यहाँ पर विधवा औरत एलिशा के सामने रो रही है और कहती है कि मेरे बच्चों को वो लोग ले जाएंगे, मैं क्या करूँ। एलिशा से वो कहती है कि मेरी सहायता कीजिए। तब परमेश्वर का जो दास है वो उससे पूछता है कि तेरे पास घर में क्या है, तेरे पास पैसे नहीं हैं तो तेरे पास घर में और क्या है। और वो विधवा कहती है कि तेरी दासी के पास घर में 1 प्याला तेल के सिवाय कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही एलिशा इस उत्तर को सुनता है, वो उस विधवा से कहता है, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से जो बर्तन खाली हों उन्हें तू अपने पहचान वालों से ले ले, और थोड़े बर्तन मत लेना, ज्यादा से ज्यादा बर्तन लेना। फिर तू अपने बेटों के साथ अपने घर के अंदर जाना, दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलने लगना, और जो बर्तन भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो जैसा उस विधवा ने सुना वैसा ही करने के लिए वो अपने घर की ओर चली गई और अपने बेटों के साथ दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपने पहचान वालों से बहुत से बर्तन उधार ले लिए और परमेश्वर के दास की आज्ञा के मुताबिक बर्तनों में तेल उंडेलने लगी, क्योंकि उसके पास 1 प्याला तेल ही था। लेकिन वो जैसे जैसे उंडेलते जाती थी उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि तेल तो खत्म हो ही नहीं रहा है, वरन बर्तन लबालब भरते जा रहे हैं। और फिर ऐसा होता है कि बर्तन लबालब भरते जाते हैं और विधवा अपने बच्चों से कहते जाती है कि अगला बर्तन लाओ, और फिर उस बर्तन में तेल उंडेलते रहते हैं, फिर वो कहती है अगला बर्तन लाओ। ऐसे करते करते लगभग सारे बर्तन जब भर जाते हैं और अंत में विधवा कहती है अपने बच्चों से, और बर्तन हो तो लेकर आओ, और उसके बच्चे कहते हैं अब कोई भी बर्तन नहीं रहा। और जैसे ही उन्होंने कहा कि अब कोई भी बर्तन नहीं रहा, तब लिखा है कि तेल का बहना बंद हो गया, यानी कि जिस प्याले से तेल की धार बहते जा रही थी वो सप्लाई जो रुक ही नहीं रही थी रुक जाती है। जैसे ही बर्तन खत्म होते हैं वो सप्लाई रुक जाती है। तब इस घटना के बारे में जाकर वो एलिशा से कहती है, परमेश्वर के दास को बताती है, और परमेश्वर का दास उससे कहता है, जा उस तेल को बेच और जो भी अमाउंट उससे मिलते हैं उसे अपने कर्ज को अदा कर, जो बाकी रहे उसे तू और तेरे बच्चे अपना गुजारा करें। इस प्रकार यहाँ पे ये जो घटना है वो साफ तौर पर हमें बताती है कि परमेश्वर कैसे आशीष देते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स कैसे काम करती है। जब तक आपके पास बर्तन है तब तक परमेश्वर की सप्लाई,
परमेश्वर के ब्लेसिंग्स की सप्लाई, परमेश्वर के आशीषों का बहाव बहते रहेगा। लेकिन जब आपके पास बर्तन खत्म हो जाते हैं, यानी आपके पास ग्रहण करने का कोई पात्र नहीं बचता, तब उसकी आशीषें वहां रुक जाती हैं। उसकी सप्लाई, उसकी ब्लेसिंग्स तब तक जारी रहेगी जब तक आपके पास ग्रहण करने के लिए बर्तन है। ये बर्तन ग्रहण करने का मन है, ऐसा मन जो कि तैयार है प्रभु की आशीषों को ग्रहण करने के लिए। अगर आप आज कर्जे में हैं, अगर आज आपको धन संपत्ति की कमी है, अगर आज आपको आत्मिक आशीषों की कमी है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी हो, प्रभु कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बर्तन इकट्ठे कर लें, क्योंकि जब आशीषें बहनी शुरू होंगी तो वो तब तक बहते रहेंगे जब तक आपके पास उसे ग्रहण करने के लिए बर्तन है। खुदावंद आपको बरकत दे और उसकी बुद्धि के द्वारा आप अधिक से अधिक बर्तन अपनी जिंदगी में जमा कर सकें, जिसमें आप आशीषों को ग्रहण कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।